गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं नीलम जायसवाल आपको कक्षा 2 की हिंदी पढ़ाऊंगी। आपके हिंदी विषय में 2 पुस्तकें हैं। हिंदी फर्स्ट में है आपकी हिंदी व्याकरण और रचना, और हिंदी सेकंड नवीन पल्लव। आज मैं आप सबको हिंदी नवीन पल्लव का प्रथम अध्याय पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है मेरी अभिलाषा है। यह एक कविता है जिसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। पहले मैं कविता पूरी पढ़ूंगी, उसके बाद कविता का अर्थ स्पष्ट करूंगी कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं मेरी अभिलाषा। सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। नभ जैसा निर्मल हूँ, शशि जैसा शीतल हूँ, धरती सा सहनशील पर्वत सा अविचल हूँ, मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। अब हम इस कविता का अर्थ आपको स्पष्ट करते हैं। कवि कह रहे हैं कि वह सूरज चंदा की तरह चमकना चाहते हैं और तारों की तरह झिलमिलाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि आकाश में जब सूरज आता है तो कितनी रोशनी फैल जाती है, रात को चंद्रमा निकलता है तो भी रोशनी फैल जाती है, और आकाश में तारे अंधेरी रात में झिलमिलाते रहते हैं। वैसे ही कवि भी झिलमिलाना चाहते हैं। फूलों सा महकूं मैं, फूलों की खुशबू जैसे खिलने पर चारों तरफ फैल जाती है, वैसे ही कवि भी चाहते हैं कि वो भी फूलों की तरह महके, चारों तरफ उनकी भी खुशबू फैले, अर्थात उनके कार्यों को लोग सराहना करें और उनको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। विहगों सा चहकूं मैं, विहग अर्थात पक्षी, और वो पक्षियों की तरह चहकना चाहते हैं। गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, वन उपवन अर्थात बगीचा, बाग बगीचा, तो पक्षियों की तरह गुंजन करना चाहते हैं। जैसे भौरे आपने देखा होगा जब गुंजन करते हैं तो उनकी आवाज कितनी अच्छी लगती है, सबको सुनने में अच्छा लगता है, वैसे ही वो बाग बगीचों में गुंजन करना चाहते हैं और कोयल की तरह कुहू कुहू करना चाहते हैं। यह कवि की इच्छा है। आगे कवि कहते हैं कि नभ अर्थात आकाश, वो आकाश की तरह निर्मल स्वच्छ रहना चाहते हैं। आपने देखा होगा आकाश, अब आप देखते हैं कितना साफ सुथरा रहता है, वैसे ही वो भी रहना चाहते हैं, स्वच्छ रहना चाहते हैं। शशि अर्थात चंद्रमा, जब चांद रात में निकलता है आकाश में तो उसकी शीतलता सबको अच्छी लगती है, वैसे ही वो भी शीतलता प्रदान करना चाहते हैं सबको। धरती सा सहनशील पर्वत सा अविचल हूं, धरती कितने कष्ट सहकर हमको अन्न देती है और धरती पर हम चलते हैं, धरती पर कितना वजन रहता है, उन सबका वजन वो अब झेलती है, सहन करती है, वैसे ही कवि भी बनना चाहते हैं। और पर्वत की तरह एक जगह स्थिर रहना चाहते हैं, अर्थात जैसे आंधी तूफान आने पर पर्वत अपनी जगह पर खड़ा रहता है, वह कहीं इधर उधर विचलित नहीं होता है, वैसे ही कवि कहते हैं कि वो भी अपने जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, दुख तकलीफ आए, वो उन सब परेशानियों को दुख तकलीफ को झेल करके आगे बढ़े और उन सबसे वो विचलित ना हो। मेघों सा मिट जाऊं, मेघ अर्थात बादल, बादल जब आकाश में आते हैं तो पानी बरसाकर चले जाते हैं, तो इससे किसानों को और भी आम जनता को कितना फायदा होता है, पानी के बिना हमारे सारे कार्य रुक जाते हैं, पानी के बिना खेती में किसानी में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बादल बरसते हैं तो खेतों को पानी मिलता है, इससे उपजाऊ होता है, अन्न उपजाने के लिए किसानों को पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही कभी भी चाहते हैं कि वो दूसरों के काम में आए। सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, और आगे कभी कहते हैं कि वह सागर की तरह लहराना चाहते हैं, सेवा के पथ पर दूसरों के सहयोग करने के लिए
वह सुमनों सा बिच जाना चाहते हैं, फूलों की तरह बिच जाना चाहते हैं। सुमन अर्थात फूल और या पुष्प। तो वो दूसरों के परेशानियों को दूर करके उनको सुख पहुंचाना चाहते हैं। दूसरों के कार्यों में जो भी परेशानियां आ रही हों उनको वो दूर करना चाहते हैं और उनके लिए भलाई के कार्य को करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी वजह से लोगों को सहयोग की भावना हो और उनको सहयोग प्राप्त हो। आप यहाँ पर ये कवि की इच्छा है। इस कविता के कवि कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। इस कविता में उन्होंने अपने मन के विचारों को प्रकट किया है कि वह क्या चाहते हैं। अभी आपने देखा, कविता पढ़ी और उसका अर्थ समझा। अब आप इस कार्य अपनी किसी भी पुरानी कॉपी में कविता को लिखने का अभ्यास करिए और कम से कम 2 या 3 बार कविता को सही उच्चारण के साथ पढ़ने का अभ्यास करिए। यह आपका गृह कार्य है। कविता को लिखना है और उसका सही उच्चारण करके कविता को याद करना है। यह आपके लिए गृह कार्य के रूप में है। धन्यवाद।